मध्य प्रदेश में मुरैना के नजदीक हितमपुर स्टेशन के पास सुपर फास्ट एक्सप्रेस की दो बोगियों में लगी आग। आग पर काबू पा लिया गया है। ट्रेन उधमपुर से दुर्ग जा रही थी। पुलिस प्रशासन, रेलवे सहित दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। अभी तक इस घटना में किसी भी तरह की जानहानि की सूचना नहीं है। आग ट्रेन की A1, A2 कोच में लगी थी। आग लगी हुई दो बोगियों को अलग कर दिया गया। ट्रेन को ग्वालियर की तरफ रवाना कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के उधमपुर से चलकर छत्तीसगढ़ की दुर्ग जा रही इस ट्रेन में A1, A2 में आग लगी थी। ट्रेन में वैष्णो देवी के दर्शन कर सैकड़ों की संख्या में तीर्थयात्री भी लौट रहे थे। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार कई यात्रियों ने ट्रेन से कूदकर अपनी जान बचाई। इनमें से कुछ लोगों को हल्की चोट भी आई है।